गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमें कक्षा 11वीं का अध्याय विकास की अवधारणा का अगला टॉपिक है, विकास का कल्याणकारी मॉडल एवं उसके लक्षण है पढ़ेंगे। इसके अलावा जो टॉपिक्स आज हम करेंगे वो हैं कल्याणकारी राज्य के कार्य, समाजवादी मॉडल एवं उसकी विशेषताएं, गांधीवादी मॉडल एवं उसके विशेषताएं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें विकास के कल्याणकारी मॉडल का अर्थ स्पष्ट करते हैं। हमने विकास के बाजार मॉडल के बारे में वर्णन किया था, अब हमें जो अगला मॉडल है विकास का वो है विकास का कल्याणकारी मॉडल। यह मॉडल कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है और यह मॉडल कहता है कि वर्तमान में राज्य का स्वरूप कल्याणकारी हो गया है और कल्याणकारी राज्य का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के व्यक्तिगत निजता में हस्तक्षेप न करते हुए अपनी भूमिका निभाए, व्यक्ति को व्यक्ति के कार्यों में स्वतंत्र छोड़ दे। इस मॉडल के तहत व्यक्ति या नागरिक के जीवन को सुगम बनाने के लिए राज्य या सरकार अधिक से अधिक कल्याणकारी कार्य करने का कार्य करती है। इस मॉडल में उत्पादन व उद्योग धंधे की स्थापना नागरिकों के कल्याण के लिए की गई है और यह लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना पर बल देता है और ज्यादातर जो विकासशील देश हैं उनमें इस मॉडल को अपनाया गया, क्योंकि जो विकासशील देश थे वो लंबे समय तक साम्राज्यवादी ताकतों के अधीन रहे थे और साम्राज्यवादी ताकतों के अधीन रहते हुए उन्होंने बाजार मॉडल के गुणों को देखा और गुणों या अवगुणों को देखा और उन अवगुणों का आविष्कार हुए, इसलिए वो बाजार मॉडल को अच्छा नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने कल्याणकारी मॉडल को अपनाया और इन विकासशील देशों ने इस मॉडल को अपनाया और अपने देशों का विकास इस मॉडल के माध्यम से किया। इस मॉडल के क्या लक्षण या विशेषताएं हैं वो हम समझ करते हैं और उनमें से सबसे पहला हमारा जो है लोकतांत्रिक विकास, क्योंकि ज्यादातर देशों में साम्राज्यवाद के अधीन रहे और वो अभी अभी साम्राज्यवादी ताकतों से आजाद हुए, इसलिए इन देशों में लोकतंत्र की स्थापना की गई और इन देशों में लोकतंत्र अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, इसलिए इस मॉडल के माध्यम से यहाँ लोकतंत्र का विकास करना प्रमुख उद्देश्य था या लोकतंत्र को मजबूत करना इस मॉडल का प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा है आर्थिक विकास। इस मॉडल के माध्यम से इन देशों के आर्थिक विकास को महत्व दिया गया, क्योंकि ये विकासशील देश लंबे समय तक आर्थिक शोषण का शिकार रहे और इनकी अर्थव्यवस्था जर्जर थी, मजबूत नहीं थी, इसलिए अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इस मॉडल के तहत अनेक कदम उठाए गए। तीसरा जो हमारा था सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा से हमारा अभिप्राय है समाज के अल्पसंख्यक वर्ग, गरीब वर्ग तथा पिछड़े वर्ग को विशेष सुविधाएं प्रदान करना या समाज में नागरिकों को वे सुविधाएं प्रदान करना जो उनके संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति समाज का अपना आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास कर सके। चौथा जो हमारा पॉइंट है वह है राजनीतिक सुरक्षा। इस मॉडल के तहत राजनीतिक सुरक्षा को भी महत्व दिया गया, क्योंकि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है और जब तक देश का प्रत्येक नागरिक राजनीति में भाग नहीं लेगा तब तक राजनीति विकास नहीं हो सकता, इसलिए राजनीतिक विकास के लिए राजनीतिक संस्थाओं
मतदान और चुनाव प्रणाली में सुधार आदि पर बल दिया। पांचवा जो हमारा पॉइंट है, भेदभाव का अंत। लंबे समय तक समाज में विभिन्न आधारों पर भेदभाव देखने को मिलता है और ये आधार हैं जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय, आर्थिक। इन आधारों पर समाज में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है। अतः इस मॉडल के तहत इन भेदभाव को समाप्त किया गया, इन भेदभाव का अंत किया गया और सरकारों द्वारा इन भेदभावों को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए और अगर कोई व्यक्ति ऐसा भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। अब हमें हमारा दूसरा टॉपिक है कि एक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि वर्तमान में राज्य के का स्वरूप बदल गया है और राज्य ने कल्याणकारी राज्य का रूप ले लिया है, अर्थात अब राज्य व्यक्ति की व्यक्तिगत निजता में अधिक हस्तक्षेप न करते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करने लगा है। राज्य का मुख्य कार्य सुरक्षा, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना तथा व्यक्ति को वो सब सुविधाएं प्रदान करना है जिससे व्यक्ति अपने जीवन का संपूर्ण विकास कर सके। इसलिए कल्याणकारी राज्य वो सब कार्य करता है जिससे उस राज्य के नागरिकों का अधिक से अधिक भला और अधिक से अधिक विकास हो सके। और उन कार्यों में सबसे पहला हमारा कार्य है आंतरिक सुरक्षा, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र के अंदर और बाहरी सुरक्षा राष्ट्र के लिए आवश्यक है। अंदर से प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता है और यह सुरक्षा आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा आदि से हो सकती है और बाहरी सुरक्षा विदेशी आक्रमण से हो सकती है। तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का ध्यान रखे और वो सब कदम उठाए जिससे राज्य के नागरिक का जीवन और संपत्ति सुरक्षित रहे। दूसरा जो हमारा पॉइंट है इसमें, जीवन एवं संपत्ति की रक्षा। जैसा कि अभी मैंने पहले पॉइंट में भी इस पॉइंट का आधा वर्णन कर दिया है कि राज्य का यह उद्देश्य या कार्य है कि वह अपने नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करे। इसके लिए राज्य ने सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था आदि व्यवस्थाएं की है। अगर राज्य में व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं है तो उस राज्य का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न आधारों पर राज्य में व्यक्ति के जीवन को खतरा होता है और उसके जीवन की सुरक्षा राज्य का प्रथम कर्तव्य होता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था। प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है और उत्तम स्वास्थ्य देना चाहता है और इसके लिए राज्य अच्छे शिक्षण संस्थानों की स्थापना करता है ताकि उस राज्य के प्रत्येक नागरिक को अच्छी शिक्षा मिल सके और स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों का निर्माण करता है। अगर राज्य के नागरिक शिक्षित होंगे और उनका स्वास्थ्य ठीक होगा तो वे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते। चौथा हमारा पॉइंट है कृषि एवं उद्योगों का विकास। राज्य अपने आर्थिक विकास के लिए कृषि तथा उद्योगों के विकास पर बल देता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लगभग 75% आबादी कृषि पर निर्भर करती है, इसलिए कृषि का सुधार बहुत आवश्यक है। अगर कृषि में कम उपज हुई और किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिला तो वह देश विकास नहीं कर सकता। इसी प्रकार देश के विकास के लिए उद्योगों का विकास भी बहुत आवश्यक है और इसके लिए राज्य नए नए उद्योगों की स्थापना करता है, उद्योगों में आधुनिक उपकरणों और मशीनों का की स्थापना करता है और उत्पादन के लिए नई तकनीक का प्रयोग करता है और अपने उत्पादन में सुधार करता है।
पांचवा हमारा है न्यायिक व्यवस्था, कि प्रत्येक राज्य में आपसी झगड़े तथा संघर्ष होता रहते हैं, और इन आपसी झगड़ों और संघर्षों से बचाने राज्य के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यायिक व्यवस्था की स्थापना आवश्यक है, और इसके लिए राज्य अपने राज्य में न्यायालयों की स्थापना करता है, और न्यायालय राज्य के नागरिकों को न्याय प्रदान करने का कार्य करते हैं। अगला जो हमारा मॉडल है वह है समाजवादी मॉडल एवं उसकी विशेषताएं। दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और इन व्यवस्थाओं के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहली है पूंजीवादी व्यवस्था और दूसरी है समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था पूंजीवाद के विपरीत है। पूंजीवादी व्यवस्था में निजी उद्योगों, निजी संपत्ति और लाभ के लिए उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और उत्पादन में राज्य के नागरिकों से अधिक लाभ कमाने के लिए किया जाता है। जबकि इसके विपरीत समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राज्य के प्रत्येक नागरिक को विकास के समान अवसर प्रदान करने की कोशिश की जाती है। इसमें पूंजीवाद को समाप्त करके एक समान समाज की स्थापना पर बल दिया जाता है, एक ऐसा समाज जिसमें सभी समान हो और किसी के साथ किसी आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। तो एक इस विचारधारा में यह विचारधारा समाजवादी विचारधारा मानती है कि पूंजीवादी विचारधारा में पूंजीपति गरीब वर्ग का शोषण करता है, इसलिए यह विचारधारा आम नागरिक के लिए अच्छी नहीं। इसलिए इस विचारधारा के समर्थक समाजवाद की स्थापना पर बल देते हैं। तो समाजवादी मॉडल समाजवाद की स्थापना पर बल देता है और एक ऐसे राज्य या समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास के समान अवसर मिले। नौकरियों तथा रोजगार देते समय नागरिक के साथ किसी भी आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। समाजवाद पूंजीवाद का विरोध करता है और पूंजीवाद को समाजवाद का विरोधी मानता है। समाजवाद में राज्य ऐसे व्यवस्थाओं का निर्माण, ऐसी व्यवस्थाओं की स्थापना का कार्य करता है जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो सके, अर्थात समाजवाद राज्यहीन समाज की स्थापना की अवधारणा पर बल देता है। समाजवाद के राज्य को शोषण का एक आधार मानता है और वह कहता है कि मजदूर वर्ग है उसे राज्य या सब मजदूर वर्ग को शासन के में हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो इस मॉडल की विशेषताओं में हम विशेष तौर पर जो पहला है वो है पूंजीवाद का विरोध। इस मॉडल में पूंजीवाद का विरोध किया गया है। दूसरा जो इस मॉडल की विशेषता है वह है इसमें इस मॉडल में दो वर्गों का वर्णन किया गया है और वो दो वर्ग है पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। और इन दोनों के बीच समाज में हमेशा संघर्ष होता रहता है। तीसरा
इस मॉडल में समाज में सभी के लिए समान अवसरों की उपलब्धता पर बल दिया गया है। समान अवसरों की उपलब्धता, इस मॉडल में राज्य का विरोध किया गया है। इस मॉडल में व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। तो इस प्रकार से इस मॉडल की विशेषताएं हमारी स्पष्ट होती है। और अब हमें जो हमारा विकास का आखिरी मॉडल बचता है और वो है गांधीवादी मॉडल। गांधी जी का भारत की आजादी में महत्वपूर्ण स्थान था और गांधीवादी मॉडल गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। इस मॉडल में राज्य में प्रत्येक वर्ग को समान समझा गया है और समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर प्रदान करने की कोशिश की गई है। इस मॉडल में किसी भी आधार पर भेदभाव की समाप्ति पर बल दिया गया है। यह मॉडल विकास के तीनों पक्ष से, आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष व राजनीतिक पक्ष में सुधार पर बल देता है और यह मॉडल राज्य को अधिक से अधिक कल्याणकारी कार्य करने के लिए कहता ताकि व्यक्ति का जीवन सुगम हो सके। यह मॉडल एक ऐसे राज्य की स्थापना की कल्पना करता है जो राम राज्य की तरह हो। इस मॉडल में कृषि को अधिक महत्व दिया गया, कृषि को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। इस मॉडल में लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया है। इस मॉडल में समाज के दबे कुचले वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और स्त्रियों की दशा में सुधार पर बल दिया गया। इस मॉडल की विशेषताएं क्या हैं वो हम स्पष्ट करते हैं और उन विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कृषि को महत्व। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 75% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। उनका आजीविका कृषि के ऊपर निर्भर है और वो कृषि के माध्यम से ही अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। अगर कृषि का विकास नहीं हुआ तो देश की 75% आबादी का विकास नहीं होगा। इसलिए गांधी जी कहते थे कि देश के विकास के लिए कृषि का विकास बहुत जरूरी है। इसलिए यह मॉडल कृषि के विकास पर बल देता है। दूसरा है लघु उद्योगों को महत्व। आजादी से पहले भारत में या अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में लघु और कुटीर उद्योग बहुत अधिक मात्रा में थे और इन उद्योगों के माध्यम से आम नागरिक अपनी जीविका का अर्जन करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय लघु और कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया गया और बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई और औद्योगिकरण के कारण लघु और कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। तो यह मॉडल लघु और कुटीर उद्योगों पर के विकास पर बल देता है और इन लघु और कुटीर उद्योगों को
समाज के विकास का मुख्य आधार मानता है। यह मॉडल कहता है कि लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। तीसरा है औद्योगिकरण का विरोध। यह मॉडल देश के विकास के लिए औद्योगिकरण का समर्थन करता है, लेकिन यह मॉडल पूंजीवाद का विरोध करता है। यह मॉडल मानता है कि पूंजीवाद से गरीब और मजदूर वर्ग का शोषण होता है, इसलिए बड़े बड़े उद्योगपति मजदूर वर्ग का शोषण का कार्य करते हैं। इस मॉडल में उद्योगीकरण को बढ़ावा देने का बल दिया गया है, लेकिन साथ ही कहा गया है कि मजदूर वर्ग को उद्योगों में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, उन्हें उद्योगों में मजदूर ना मानकर एक उद्योगों का एक अंग माना जाए और मजदूर वर्ग ही उद्योगों के विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसलिए यह मॉडल उद्योगीकरण के विरोध का कार्य करता है। चौथा है अस्पष्टता का अंत। प्राचीन समय से समाज में अस्पष्टता या छुआछूत समाज में प्रचलित है और इसके आधार पर समाज के जो निचला वर्ग है या कमजोर वर्ग है, दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसके साथ समाज का जो उच्च वर्ग है वह भेदभाव करता है और उन्हें अछूत समझता है। तो इस मॉडल में इस अस्पष्टता या छुआछूत का अंत किया गया है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। यह मॉडल अस्पष्टता के अंत के लिए कानून निर्माण का कार्य करता है और उस कानून को कठोरता से लागू करने का कार्य करता है। पांचवा जो हमारा पॉइंट है स्त्री सुधार। समाज में महिलाओं की जो स्थिति है प्राचीन काल से ही निम्न रही है और महिलाओं के साथ न केवल घर में बल्कि रोजगार स्थल पर भी भेदभाव किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। महिलाएं घरेलू हिंसा के शिकार हैं और रोजगार स्थल पर उनके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव किया। तो यह मॉडल महिलाओं की समाज में दशा के सुधारने पर बल देता है और महिलाओं को समाज का एक अभिन्न अंग मानता है और उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार देने पर बल देता है। छठा सांप्रदायिक एकता। सांप्रदायिक एकता या धार्मिक एकता। प्राचीन समय से ही अंग्रेजों के समय से ही हमारे देश में धार्मिक आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है, धर्म के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है, जिसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। विभाजन के समय धार्मिक आधार पर दंगे हुए, हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हुए और बड़ी संख्या में जान और माल की हानि और हिंदू मुस्लिम के बीच घृणा को बढ़ाने का कार्य किया। तो यह मॉडल कहता है कि देश में विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहे, उनके बीच किसी प्रकार के विवाद या घृणा ना रहे, वे एक दूसरे के विकास में सहयोग करें, तभी देश का विकास होगा, अन्यथा देश का विकास नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने गांधीवादी मॉडल की विशेषताओं का वर्णन किया। आज के हमारे टॉपिक से समाप्त हुए और मैं आशा करता हूं कि आपको आज के टॉपिक्स बड़े अच्छे से समझने आ गए होंगे। यह हमारा लेसन समाप्त होता है। आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।